मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? यस सर। ओके अच्छा, उसके बाद बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, ठीक है ना? या फिर स्टिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट एसिड दैट कॉज बर्निंग पेन। तो कौन सा एसिड होता है इनमें? मिथेनोइक एसिड। क्या याद रखोगे? मिथेनोइक एसिड। और उसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है ना, तो आप लास्ट में क्या देख पा रहे हो? COOH, COOH, ठीक है ना? तो ये दोनों में है। सर इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको? यस, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, स्टिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, स्टिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, शायद किसी ने ऐसा देखा हो। देखा है कभी ट्रैकिंग वगैरह पे होते हैं, पहाड़ों के साइड में निकले हुए होते हैं, या कहीं पर ऐसी देखे हो कभी ऐसी कोई पिक्चर, थोड़ा टच करते ही आपको इरिटेशन हो जाती हो, थोड़े रफ से लगते हैं पकड़ने में। एनीवन? ये वाली पिक्चर मैंने एक निकाली है, ये शायद सबने देखी हो, कभी ग्राउंड में गए हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन वो क्या करते हैं, उनसे हमारी एल्बो या पैर अगर टच कर जाते हैं तो वह हमारी स्किन में क्या छोड़ देते हैं? मिथेनोइक एसिड, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। और फिर हमें क्या लेना पड़ता है, फिर हमें क्या लेना पड़ता है? यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो बेकिंग सोडा क्या है? एक माइल्ड बेस, और उसका बेकिंग सोडा का यही फॉर्मूला होता है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वही बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है? यस सर। ओके नाउ अब ये 5 मिनट आप ये सारे एसिड पढ़ लो, 55 वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, पढ़ लिया सबने? ये सब क्या है? Yes, sir. ये सब क्या है? नेचुरली अकरिंग एसिड, ठीक है? तो विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिंड क्या होती है? इमली, पता है? Yes, sir. अच्छा, टोमेटो, सावर मिल्क, लेमन, एंड स्टिंग या बी स्टिंग, नेटल लीव्स या स्टिंजिंग हेयर, ठीक है? तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, इन सबके ना एक एक बार आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ,
यू डोंट हैव टू लर्न देम और कोई याद नहीं करने आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखना. सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड आपके सिलेबस में है, ठीक है? ये मैं कराऊंगा कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में. तो आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉन्डिंग वगैरह तो सबको समझ आती होगी अब या नहीं? अभी कौन सा बॉन्ड लग रहा है आपको सबको इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड. तो शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड सर. ओके, वेरी नाइस. ओके, उसके बाद मैं दिखा रहा हूं आपको लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड, ठीक है ना? लैक्टिक एसिड कैसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि ऐसे क्यों बनता है, ये सब 11th में सीखोगे. जस्ट फॉर नॉलेज दिखा रहा हूं मैं. उसके बाद और कौन सा था? ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत सिमिलर सा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है और कौन सा पढ़ा था आपने? टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड. ऑलमोस्ट सारे सेम लग रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा बस. यस सर. आगे जाके अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह नीट वगैरह पढ़ोगे तो ये भी पढ़ोगे आप भी, कितने टाइप के होते हैं टार्ट्रिक एसिड. देखो कितने टाइप के, अजीब अजीब से नाम दिख रहे होंगे, डी टार्ट्रिक, आई टार्ट्रिक, मेसोटार्ट्रिक. मतलब मन कर रहा है आगे आगे के साइंस लेने का, तो इंटरेस्टिंग तो है. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सिट्रिक एसिड. ठीक है, ये हो गया सिट्रिक एसिड. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वो एरो, मतलब जो वो जिगजैग है वो क्या लाइन है? तो वो आगे जाके कराऊंगा मैं. उसका नाम है बेंजीन. पूरा नाम नहीं है उसका, छोटा सा नाम है बेंजीन, बट वो आगे जाके करेंगे कार्बोनेट कंपाउंड्स में. सो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया हो. हर एक एसिड को आपने देख भी लिया. मिथेनोइक एसिड भी दिखाया था, वो रह गया मिथेनोइक एसिड. ये भी हम पढ़ने वाले हैं मिथेनोइक एसिड. तो जो 10th क्लास में इन्होंने इंक्लूड किया है CBSE ने, वो है मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड. तो ये हो गया हमारा मिथेनोइक एसिड. ओके, आई गेस 55 पॉइंट्स तक सबको समझ आ गया. तो यहां पे हमारा क्या एंड हो जाता है? एसिड्स एंड बेसिस. अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? सॉल्ट्स. ठीक है, तो थोड़ा सा करते हैं आज, ज्यादा नहीं है आज, बहुत इजी इजी स्लाइड वो है, ठीक है? ओके, नाउ सबसे पहले सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7. सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, क्योंकि हमने पढ़ा है ना सॉल्ट कब बनती है, जब कोई बेस और एसिड मिलते हैं. तो अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होंगे तो 7 होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा पर वीक बेस होगा तो पीएच लेस देन 7 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच प्लस आयंस ज्यादा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या है? अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर, तो इसलिए उनका पीएच मोर देन 7 होगा. मतलब आपको यहां पे ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग वर्ड पे, वही पीएच की वैल्यू भी हो जाएगी. द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. नाउ सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 60th पॉइंट. इस सी वॉटर के अंदर बहुत सारी सॉल्ट्स होती हैं और उसमें से हमें क्या निकालना है, बेसिकली क्या चाहिए हमें? सोडियम. राइट. डिपॉजिट्स
ऑफ सॉलिड सॉल्ट मतलब जमे हुए कहीं पर रखे हुए आर ऑल्सो फाउंड इन सेवन. हाँ चिराग बोलो. सर पिछले 60th पॉइंट पे बहुत सारे सॉल्ट्स होती है तो बहुत सारे एसिड और बेस भी होंगे. यस वो सारे मिलके वहां पे बना लेते हैं. ठीक है मतलब अगर मैं इसके पीछे वाले उसमें जाऊं तो अगर आपने सी मतलब सी वॉट आपके आपने वो पढ़े थे किसी ने पर पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ोगे नाइन्थ में साइकिल्स थे ऑक्सीजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल सुना है किसी ने या नहीं. yes. तो वो वहां से लिंक्ड है. ठीक है तो आप चिराग अभी याद रख लो नहीं तो आपको ये सारे साइकिल्स वगैरह सब पढ़ने पड़ेंगे कैसे उसमें एसिड बेस मिलते हैं और ये सब. ठीक है ओके okay. चलो तो हम एक काम करते हैं आगे करते हैं. जब ये सॉलिड सॉल्ट मतलब इवेपोरेशन चल रही होगी सी में तो छोटे छोटे सॉल्ट जो है वो बच गए तो वो सॉलिड बन गए NaCl क्रिस्टल्स की फॉर्म में. तो ऐसे अगर बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स ठीक है ना दे आर ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज तो उसका नाम क्या होता है रॉक सॉल्ट. मतलब सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है रॉक सॉल्ट. तो वो मैं दिखा देता हूं आपको. शायद आपने कभी किसी हॉकर को वो जो बेचने वाले आते हैं ना उनके पास शायद देखा हो ये. एनीवन वो घूमते ही रहते सॉल्ट लेके जिसपे वो लिखा होता है हिमालयस की सॉल्ट सुना है कभी देखा है या नहीं. ऐसे ऐसे सॉल्ट देखिए कभी ऐसे ब्राउनिश सी. yes, ये गुड़ नहीं. yes, है ध्यान रखना गुड़ नहीं है. आई डोंट नो कितने बच्चों ने देखी है ये. सर उसपे हिमालयन लिखा. हाँ हिमालयन रॉक सॉल्ट लिखा होता है और ऐसे. ठीक है कभी नोटिस में आए तो देख लेना आपको याद रहेगा मैंने करा दिया ना याद रहेगा आपको. अच्छा बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मतलब बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट जैसे आपका बेड होता है वैसी क्या बन गई बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट. लेयर्स की फॉर्म में बेड जैसे लेयर्स की फॉर्म में होता है ना वन लेयर टू लेयर. तो ये कब हुआ होगा जब सीज पूरे के पूरे ड्राइड अप हो गए होंगे बायगॉन एजेस जो एजेस जा चुकी हैं तो वहां से बन गए होंगे अब तक वो सूख गए होंगे और नया बन गया होगा तो इसलिए उसका नाम किस लिए पड़ गया रॉक सॉल्ट. अब कोई ये मतलब बता सकता है बहुत इंटरेस्टिंग है ये. सर जैसे हम कोल को माइन करते हैं वैसे सर रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है. ओके माइनिंग का इन द सेंस मीनिंग सी सर इक्विपमेंट यूज करके. ओके सो देखो कैसे होती है सी यहाँ पे देख रहे हो आप ये काट रहे हैं इसको जैसे कोल को भी तोड़ते हैं ना माइनिंग करते हैं उसकी वैसे ही. तो बेड सी कैसे कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक केस स्टडी बनाएंगे अभी तो सिर्फ देख लो. सर मैंने एक वीडियो में देखा था कि जो वो सॉल्ट को बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर उसको करते हैं. आपने वो है तो ग्रुप में डाल देना या मुझे पहले भेज देना अगर आपको याद है वो वीडियो कौन सी है इंटरेस्टिंग होगी तभी आप कह रहे हो. सर देख लूंगी सर्च करनी पड़ेगी. याद करके मुझे बताना अगर उसमें सारा प्रोसेस है तो आपके लिए बहुत यूजफुल है वो वीडियो बता देना मुझे बच्चे मेरे को भेज देना पहले मतलब सर मैं सर्च कर लूंगी बताने से बहुत दिन पहले देगी. मतलब मिल तो बहुत कुछ जाएगा अगर आपको मन कर रहा है जानने का तो बिल्कुल ढूंढो अच्छे से ढूंढो इसको ठीक है ना. और मन करे किसी का तो प्लीज एक केस स्टडी बना के बताना मुझे रॉक सॉल्ट के ऊपर क्योंकि अभी जुलाई आने वाला है और हम सारे चैप्टर्स को मिक्स करने वाले हैं. मैथ्स में तो ऑलरेडी डन है बहुत कुछ अब साइंस को कवर करना है जल्दी से. अच्छा एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे तो एक बार इसको अदिति रीड कर दोगे. अदिति तो नहीं है सॉरी भूमिका इसको रीड कर दोगे अगर आपकी इंटरनेट ठीक आ रहा है तो.
Salt, dust, or paint is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Very nice. तो हमें कॉमन सॉल्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए डेली यूज में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत कुछ. तो आज मतलब हम क्या करेंगे, यहीं तक ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आज आपको सॉल्ट्स के सारे नाम और फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, और हमारा फिर जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वो हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है? इसमें अभी हमारे पास ये वाले बचे हुए हैं सारे, फिर मेटल्स ऑन मेटल्स आ गया, मतलब टोटल 89 पॉइंट्स हैं, ठीक है? और हम अभी हैं, मतलब ये नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा सारा, ठीक है? तो अभी हम 63rd पॉइंट पे, 64 से सारे सॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप सबने एक बार सॉल्ट नोट कर लो सब, वो मैं करा रहा हूं आपको. ओके, तो क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है, ग्रीन बोर्ड? यस सर. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये वाला रिएक्शन जो मैं सॉरी सॉल्ट लिखनी है, NaCl, ठीक है? NaCl, फिर आपको लिखना है, ध्यान से देखना, NaOH, ठीक है? मतलब जिस ऑर्डर में मैं लिखवा रहा हूं उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? फिर लिखना है CaOCl2, ठीक है? फिर लिखना है NaHCO3, NaHCO3, फिर फिफ्थ लिखना है Na2CO3.10H2O, ठीक है? Na2CO3.10H2O लिखूं आगे? यस सर. ओके, फिर लिखना है CuSO4.5H2O, सेवंथ में लिखना है FeSO4.7H2O, और अगली बार में ये भी सिखाऊंगा कि ये 10, 5 और 7 है क्या. इसका नाम होता है क्या? वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? क्या होता है इसका नाम? वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? उसके बाद फिर 8th पॉइंट में लिखना है CaSO4.2H2O, एंड 9th में लिखना है CaSO4.5H2O, और जो मैं टिक कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है? तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या एक काम करता हूं इसको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है? फिर इसका नाम है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, फिर इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. वॉशिंग सोडा का एक और भी नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है? उसके बाद इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7,
फिर इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी सॉरी इसको ध्यान रखना, सॉरी मैंने गलती से हेमी लिख दिया, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम है लास्ट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सारे सॉल्ट्स के नाम है। हाँ ये सारे सॉल्ट्स के नाम है थर्ड से, इसका तो आपको पता ही है सोडियम क्लोराइड। यस सर। और NaOH कैसे? NaOH सॉल्ट नहीं है, वो बेस ही है, पर मैंने उसको क्यों लिखवाया वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब उसको मैंने सेकंड नंबर पे क्यों लिखवाया वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सॉल्ट्स में ये कहां से आ गया। ओके आई होप सबको क्लियर हो गया आज 55 पॉइंट्स तक, तो आप सबको नेक्स्ट टाइम 65 से लेकर 89 तक रीड करके रखने हैं, ताकि जब मैं अगली बार कराऊं तो वो आपके पक्के हो जाएं आगे के लिए, चाहे कुछ समझ आए ना आए कोई बात नहीं, पर रीडिंग जरूर कर लेना, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Thank you, sir. Okay.